हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ फिरदौस शेख। आज हम बनाएंगे मटन टिक्का मसाला। तो आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम बोनलेस मटन, इसके इस तरीके से पीसेस कर दिए हैं। एक कच्चा पपीता एक कटोरी, इसे कद्दूकस कर लिया है। एक अंडा, दो चम्मच दही, डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच टिक्का मसाला, स्वाद अनुसार नमक और तलने के लिए तेल। तो आइए शुरू करते हैं। ये बाउल में मैंने टिक्के ले लिए हैं, इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टिक्का मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, अंडा भी डाल देते हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैं कच्चा पपीता भी ऐड कर देते हैं। देखिए सारे मसाले हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे 4 घंटे के लिए ढक कर फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हमने टिक्कों को फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए बढ़िया मैरिनेट हो गया है। आइए अब इसे तलते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन करते हैं। इसमें 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम टिक्के डाल देते हैं। इसे करीब 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। इसमें हमने कच्चे पपीते का यूज़ इसलिए किया है ताकि हमारा मटन जो है वह आसानी से गल जाए। इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाते हैं और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे।
आइए, 5 से 7 मिनट हो गई है, चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया महक आ रही है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। इसका स्वाद और महक बहुत बढ़िया आती है। अगर आपको घर के मसालों में ही बनाना है, टिक्का मसाला यूज़ नहीं करना है, तो आप 2-2 चम्मच डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और बना लीजिए। चलिए अब गैस ऑफ करते हैं। और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारा मटन टिक्का मसाला। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।